आईपीएल 2024 के सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को अपनी टीम का नया कप्तान घोषित कर दिया। हार्दिक पांड्या में कप्तानी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम की नजर आने वाली है और हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनते कौन से चेंजेस अब मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर कर दिए है, तो सारी जानकारी आज के वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारे वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारी वीडियो मिस न कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने यह तो कंफर्म कर दिया कि हार्दिक पांड्या में कप्तानी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम की नजर आने वाली है और अब हार्दिक पांड्या हमें काफी ज्यादा चेंजेस करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर नजर आने वाले हैं एज अ कैप्टन। तो दोस्तों सबसे बड़ा चेंज जो करने वाले हार्दिक पांड्या करने वाले मुंबई इंडियंस की टीम की ओपनिंग जोड़ी के अंदर, जहाँ दोस्तों रोहित शर्मा और ईशान किशन हमें ओपनिंग करते हुए नजर आते थे। लेकिन दोस्तों अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हमें रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों ही खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए नहीं दिखने वाले। हो सकता है कि हमें हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन काफी बड़ा चेंज करते हुए हमारी टीम की ओपनिंग जोड़ी के अंदर नजर आ जाए। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं या फिर ईशान किशन हमें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी हार्दिक पांड्या पर डिपेंड करता है। और दोस्तों यहाँ अगले बड़े चेंज की बात की जाए जो कि हमें हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आने वाले हैं हमारी टीम के अंदर, ये प्लान रहने वाला ऑक्शन प्लान को लेकर, जहाँ दोस्तों रोहित शर्मा अलग ऑक्शन प्लान लेकर जाते थे, यानी कि रोहित शर्मा से जो हमारी टीम के कोचेस वो पूछ कर जाते थे कौन से खिलाड़ियों को लेना है कौन से खिलाड़ियों को नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों अब हार्दिक पांड्या खुद बताने वाले मुंबई इंडियंस की टीम को कि आपको कौन से खिलाड़ी को लेना है कौन से खिलाड़ियों को नहीं लेना है। तो रणनीति जो रहने वाली ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदने की, वो दोस्तों हमें हार्दिक पांड्या तैयार करते हुए अब मुंबई इंडियंस की टीम के लिए दिखने वाले हैं। दोस्तों रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में जमीन आसमान का फर्क है। रोहित शर्मा कुछ अलग सोचते होंगे और हार्दिक पांड्या कुछ अलग सोचते होंगे। तो अब हार्दिक पांड्या के मुताबिक हमें मुंबई इंडियंस की टीम अब खिलाड़ियों को खरीदते हुए इस ऑक्शन के अंदर नजर आने वाली है। तो हार्दिक पांड्या में काफी ज्यादा चेंजेस अब आईपीएल 2024 के सीजन के अंदर भी करते हुए नजर आने वाले हैं। जहाँ दोस्तों जिस तरीके से रोहित शर्मा कप्तानी करते थे एमआई की टीम की और जिस हिसाब से करते थे वैसे हमें कप्तानी करते हुए दोस्तों हार्दिक पांड्या नहीं नजर आने वाले, हमें कुछ चेंजेस करते हुए आईपीएल 2024 के सीजन में भी दिखने वाले हार्दिक पांड्या फिनिशर्स को लेकर और दोस्तों ओपनर बल्लेबाजों को लेकर और गेंदबाजों को लेकर हमें काफी ज्यादा चेंजेस करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, एमआई की टीम का सही फैसला है या फिर नहीं हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का, तो आप अपनी राह में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना कि और 2-3 साल रोहित शर्मा कप्तानी करते थे या फिर नहीं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिए। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम के जो ऑनर्स है और जो दोस्तों एमआई की टीम के कोचेस है, उन्होंने रोहित शर्मा से पूछाऊंगा कि वो कप्तानी करना चाहते हैं या फिर नहीं या फिर हार्दिक को बना दिया जाए कप्तान। तो रोहित शर्मा ने भी इसमें हामी भरी होंगी कि जी हाँ आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दीजिए। तो इसी वजह से हमें हार्दिक कप्तान बनते हुए एमआई की टीम के नजर आए हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या एमआई की टीम की ओर से एज अ कैप्टन पहले सीजन में एमआई की टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जिताएंगे या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।